जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल को बनाया होगा तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये सीरियल इतना पसंद किया जाएगा और इन सभी किरदारों को इतना पसंद किया जाएगा। और वहीं इस शो के सभी किरदारों को असल में भगवान मानकर लोग इनके आशीर्वाद लेने पहुंच जाया करते थे। और वहीं इस सीरियल में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता अरुण गोविल को तो आज भी कई लोग असल में राम ही मानते हैं, क्योंकि अरुण गोविल ने ही पहली बार राम के किरदार को धारण किया था। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 में हुआ था और इनकी पढ़ाई मेरठ से हुई है। और वहीं इसके बाद ये मुंबई चले आए और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे। अरुण गोविल ने श्रीलेखा गोविल से शादी कर ली और आज इनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम अमल और सोनालिका है। और सोनालिका की उम्र अभी लगभग 28 से 29 साल की होगी। और वहीं सोनालिका एक करियर की बात की जाए तो एक किसी कंपनी में काम करती हैं और ये उस काम में बहुत ही मेहनत भी करती हैं। अरुण गोविल की बेटी काफ़ी खूबसूरत के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है और वहीं इनकी काफ़ी इज्जत भी है। और अरुण गोविल कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व है जिसने अपनी दम पर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो अब आप सभी का क्या कहना है इनकी बेटी को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।